कहते हैं सुधर जाएगी, कोई सुधरता नहीं। ये एक लाख के इनामिया रह चुके आदित्य जो कि आजकल जेल में है, हरदोई जेल में उसको स्थानांतरित कर दिया गया है। वो जेल से ही अपनी गतिविधियां सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। उसने ये अपने शूटर्स को तैयार किए थे जो पिछले माह लगातार घटनाएं कारित करके पुलिस को चुनौती दे रहे थे, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्राइम ब्रांच और स्वाट की टीमों को साथ साथ कीरतपुर की थाने की और विभिन्न थानों की टीम को सक्रिय किया गया था 10/11/2018। कल की बात है जब हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और कीरतपुर की टीम इनकी सूचना पर असगरपुर रोड के आसपास गैंग की धरपकड़ के संबंध में विचार विमर्श कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि इस गैंग के सदस्य वहां उसी इलाके में मौजूद है, जिस पर कि पूरे कौशल के साथ उनकी घेराबंदी की गई और उन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिस पर पुलिस ने भी अपनी तरफ से उनको घेर घेर के पकड़ा, जिसमें अक्षय, पवन, गोलू उर्फ वेद प्रकाश ये गिरफ्तार हुए। इनके पास से 3 तमंचे और 315 बोर और जिंदा कारतूस, साथ ही साथ हरिद्वार से लूटी गई एक होंडा ट्विस्टर, 4 अन्य अपाचे मोटरसाइकिल, 40,500 रुपये जो उन्होंने नेहटोर से लूटे थे, एक लैपटॉप और अन्य काफ़ी चीज़ें बरामद हुई जो आपके सामने हैं। इनसे जब बातचीत की गई तो पता चला कि ये बहुत सी ऐसी घटनाओं को कारित करने वाले थे आदित्य के निर्देशन में, के निर्देश पर, जिससे कि इस गैंग की दहशत फैले, मतलब इसकी जो आपराधिक महत्वाकांक्षाएं हैं कुछ ज़्यादा बढ़ रही थी। ये पुलिस की इनकी पकड़ से काफ़ी सफलता मिली है और इस पर रोक लगेगी। इनकी कई ऐसी योजनाएं थी कि आदित्य के विरोधियों पर हमला, उनकी हत्या करने की योजना, जनपद के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों से रंगदारी वसूलने की योजना, जो इनके पास पर्चियां मिली हैं जो उसने कहीं मुलाकात के दौरान जेल में कोर्ट में पेशी के दौरान दी हो,